हेलो फ्रेंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी के अंदर तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्थ साइड एम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है द कोजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स ए कंटेजियस स्किन डिजीज इन ह्यूमन इज चिकन पॉक्स का ऐसा कौन सा एजेंट है जो ह्यूमन के अंदर मानव के अंदर क्या करता है एक त्वचा संक्रमित रोग है क्या है स्किन डिजीज़ कॉन्टेजियस स्किन डिजीज है चिकन पॉक्स का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है क्या है इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज बी बेरी सेला जोस्टर जो है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है ह्यूमन के अंदर एक कॉन्टेजियस स्किन डिजीज पैदा करता है तो क्या है करेक्ट आंसर बी बेरी सेला जोस्टर जो है चिकन पॉक्स का कॉजिटिव एजेंट है नेक्स्ट है हमारा डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ डिजीज मतलब कि जो बार बार रिपीटेटिव कोई रिचुअल मूवमेंट कर रहा है या कोई भी मूवमेंट कर रहा है डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ डिजीज दोहरावदार अनुष्ठान या आंदोलनों का करना बीमारी से जुड़ा हुआ है मतलब कि बार बार कोई भी एक्टिविटी बार बार कर रहा है या कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी बार बार कर रहा है तो वो कौन सी डिजीज से रिलेटेड है तो कौन सी डिजीज से रिलेटेड है वो वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करेक्ट आंसर इज सी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है कि हमारे माइंड के अंदर क्या है कि इस तरह के आइडियाज आते हैं जिनकी वजह से क्या है कि हमें वो एक्टिविटी करनी पड़ती है ऑब्सेसिव क्या है थिंकिंग डिसऑर्डर है और कंपल्सिव क्या है एक्टिविटी का डिसऑर्डर है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्सेसिव इज ए डिसऑर्डर ऑफ किसका डिसऑर्डर है थिंकिंग का और कंपल्सिव एक्टिविटी का डिसऑर्डर है जब भी हमारे दिमाग के अंदर जब भी हमारे माइंड के अंदर जो ऐसे कुछ जो आइडियाज़ आते हैं कि हमें वो एक्टिविटी करनी पड़ती है जैसे बार बार हाथ धोना साबुन से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं क्योंकि अगर कोई भी किसी के मन के अंदर आया कि उसको हाथ धोने हैं और अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो उसके अंदर क्या है एक अनकंडीशनल जो बिहेवियर उसका दिखाई देगा उसको पेनफुल जो है बिहेवियर दिखाई देगा तो वो क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज़ नीडेड बाई ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कहने का मतलब इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस अपने आप केयर करनी है और इमीडिएट केयर करनी है कौन सी कंडीशन के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है तत्काल और सहज देखभाल की आवश्यकता होती है कौन सी कंडीशन के अंदर जो है नीड है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की कि वो इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस एक्शन ले तो उसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल डिज़ास्टर बी जब भी कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो अपने दिमाग के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार अपनी जो शक्ति है एनर्जी है और अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसके अनुसार इमीडिएट एक्शन ले तो वो कौन सी कंडीशन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर के अंदर जो है देखने को मिलता है एनवायरमेंटल डिजास्टर के अंदर उसको इस्पॉन्टेनियस और इमीडिएट एक्शन लेना होता है नेक्स्ट है हमारा इन क्वान्टी प्लेट हाउ मैनी बेबीज़ आर प्रजेंट क्वान्टी प्लेट के अंदर कितने बेबीज जो है प्रजेंट होते हैं कितने बच्चे मौजूद होते हैं क्वान्टी प्लेट के अंदर तो क्वान्टी प्लेट के अंदर क्वान्टी प्लेट का मतलब है चार तो करेक्ट आंसर इज सी क्वान्टी प्लेट के अंदर हम चार बच्चे जो है देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है हमारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग परमानेंट जो पानी की स्थाई कठोरता है वो किसको जोड़कर हटाया जा सकता है क्या चीज़ हम ऐड करें जिससे कि जो परमानेंट हार्डनेस है और बाटर की वो क्या हट जाए रिमूव्ड हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर इज डी वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा अगर हम ऐड करते हैं तो जो बाटर है उसकी परमानेंट हार्डनेस को क्या हम रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द ब्लेडर, गाल ब्लेडर के अंदर पित्ता से के अंदर अगर पथरी होने की स्थिति है उसको क्या कहेंगे Colle -lithiasis. Colle -lithiasis का मतलब है स्टोन इन गाल ब्लेडर और कॉलेसिस्टाइटिस का मतलब है इनफ्लामेशन और कॉलेडो कॉलिथियसिस का मतलब है कि जो कॉमन बाइलडक्ट या बायट है उसके अंदर स्टोन हो गया हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी कोलेथियास नेक्स्ट हमारा इज द डिजीज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क जो संक्रमित दूध के कारण जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी है तो क्या है करेक्ट आंसर ए एंथ्रेक्स जो है इन्फेक्टेड मिल्क जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से होती है इन्फेक्टेड मिल्क यूज करेंगे तो क्या होगा एंथ्रैक्स जो है बीमारी होती है नेक्स्ट हमारा वेल्स डिजीज जो लेप्टोस्पेरियोसिस जिसको हम कहते हैं इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ जो बेल्स डिजीज या लेप्टोस्पेरियोसिस है वो किसके स्प्रेड से होती है किसके कॉन्टैक्ट के स्प्रेड से होती है वेल्स डिजीज के संपर्क से फैलती है क्या है करेक्ट आंसर इज बी रेप्ट रेट्स जो होते हैं रेट चूहे जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से क्या है वेल्स डिजीज या लेप्टो स्पेरियोसिस जो है फैलती है करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट हमारा एन एन व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इट इज सेफर टू क्रॉस मैच विथ ब्लड ग्रुप कहने का मतलब है कि कोई आपातकालीन की जब स्थिति होती है उस टाइम मरीज के ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है या फिर जो अपना ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ होता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप मैच करेंगे जो सबसे सेफ रहेगा सबसे सुरक्षित रहेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर कोई एंटीजन और कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है जब कोई भी एंटीजन और कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी तो क्या होगा सबसे सेफ रहेगा तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है सबसे सेफ ब्लड ग्रुप है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोस्ट 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 नेक्स्ट है हमारा इज प्रोटोडन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेंट अगर कोई भी ऑर्गन अपनी क्या है कोई भी ऑर्गन या टिश्यू अपनी बाल की कैविटी कैविटी की जो बाल है उसको क्या करता है छोड़ देता है या फिर वहाँ से फैलाव करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे इज प्रोटोडूशन ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वाल ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेंट क्या कहेंगे उसको उसको बोलेंगे हम हर्निया हरनिया के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है वो अपनी जो कैविटी है उसकी बाल को छोड़ के उस कैविटी से बाहर निकल जाता है हाइटस हरनिया है इंगवाइनल हर्निया है इसमें क्या होता है कि ऑर्गन जो है अपनी जो स्थाई सतह है स्थाई जो प्लेस है उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं फिस्टूला का मतलब एबनॉर्मल कलेक्शन होता है एबनॉर्मल कनेक्शन तो करेक्ट आंसर क्या है इसका बी नेक्स्ट है हमारा न्यो डेथ अगर विद इन पीरियड न्यो डेथ होती है वो कितने पीरियड के अंदर होती है नवजात की जो मृत्यु होती है वो कितनी अवधि के अंदर होती है टाइम ड्यूरेशन कितना है उसका है वन वीक वन वीक के अंदर क्या है अगर डेथ हो रही है किसी बच्चे की तो उसको क्या बोलेंगे हम न्यो डेथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज इन कग्निशन एंड डेवलप ओवर ए ब्रीफ पीरियड अगर हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर एक्यूट डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस कौन सी कंडीशन के अंदर जो है देखने को मिलता है तो कौन सी कंडीशन के अंदर मिलेगा बी डिलीरियम के अंदर क्या है कि हमें एक्यूट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है कॉन्शियसनेस के अंदर एमनेजिया इज ए डिसडर ऑफ़ मेमोरी एलोजुनेशन इज ए ऑफ परसेप्शन एंड डिमेंशिया इज आल्सो ए डिसऑर्डर ऑफ़ मेमोरी तो क्या है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर डिलेरियम डिलेरियम जो है करेक्ट आंसर है इसका क्योंकि कॉन्शियसनेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो डिलेरियम के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमटिक फ्लूड एमनियोटिक फ्लूड की अपर्याप्त मात्रा का वर्णन के लिए कौन सा शब्द जो है यू उपयोग में लेते हैं कौन सा है अपर्याप्त का मतलब कम कम अमाउंट नॉर्मल से कम अमाउंट तो वह ओलिगो हाइड्रामस ओलिगो हाइड्रामस करेक्ट आंसर इज डी ओलिगो हाइड्राम यह क्या है एमनियोटिक फ्लूड की इन अमाउंट के लिए यूज में लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोबैको टोबेको कॉल तंबाकू चबाने का जो है वो किस चीज़ का कारण हो सकता है तो करेक्ट आंसर इज बी औरल कैंसर क्योंकि जब हम तंबाकू चबाएंगे तो कौन कहाँ माउथ के अंदर चबाएंगे औरल के अंदर औरल कैविटी के, के अंदर जो है कैंसर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है बिच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है इनमें से कौन सा जन्मजात हृदय रोग नहीं है कौन सा नहीं है पेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है ट्राइक एट्रेसिया भी है स्टेमिक हार्ट डिजीज नहीं है ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर इज सी स्टेमिक हार्ट डिजीज इज नॉट ए कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर इस्टेमिक डिजीज स्टेमिक हार्ट डिजीज इज नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज बाकी तीनों जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है नेक्स्ट है हमारा इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज पोलियोमाइलाइटिस का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होगा कितना होगा सेवन टू फोरटीन डेज करेक्ट आंसर इज सी इक्ूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलिस इज सेवन टू फोर्टीन डेज नेक्स्ट इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड क्या है गर्भ निरोधक का एक स्थायी तरीका क्या है करेक्ट आंसर इज ए बेसेक्टॉमी बेसक्टॉमी जो है परमानेंट मेथड है किसका कॉन्ट्रासेप्शन का बैसेकटॉमी किसके अंदर होती है मेल के अंदर और ट्यूबैक्टोमी जो है वह किसके अंदर होती है वो होती है फीमेल के अंदर बेसकटॉमी मेल के अंदर ट्यूबैक्टोमी फीमेल के अंदर होती है नेक्स्ट है ए परसिस्टेंट एंड इेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट प्रजेंट्स लिटिल और नो डेंजर टू ए पर्सन इज कॉल्ड किसी भी विशिष्ट वस्तु से या स्थिति से जब एक मजबूत निरंतर और अपरिमेय भय की स्थिति अगर व्यक्ति के लिए बहुत कम या कोई खतरा प्रस्तुत करता है उसको क्या कहा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है स्ट्रोंग है परसिस्टेंट है और इरेशनल फियर इ फियर अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब फोबिया है उसको किसी भी चीज़ का उस चीज़ का कोई रेशनल नहीं है कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी उसको फियर है और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है या किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से भी हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या सिचुएशन से हमें देखने को मिल सकता है जो नो no डेंजर जो डेंजर नहीं है या फिर लिटिल डेंजर है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फोबिया उस कंडीशन को क्या बोलेंगे फोबिया करेक्ट आंसर इज बी फोबिया तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी है इरेशनल फियर अगर आ रहा है और वो फियर डेंजर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम फोबिया करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट हमारा इज द कैरेक्टरिस्टाइज बाय हैवी प्रोटीन यूरिया हाइपो एल्बुमीनिया एंड एडिमा हैवी प्रोटीन यूरिया हाइपो एल्ब्यूमोनिया एंड एडिमा जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है करेक्ट आंसर इज डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपो एल्ब्यूमोनिया एडिमा और प्रोटीन यूरिया जो है देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हमारा इज़ ए मीन्स ऑफ स्टैंडरडाइज द मेथड ऑफ एवेलुएटिंग एंड रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ द बेबी इन न्यूमेरिकल टर्म एट वन मिनट आफ्टर बर्थ एंड इफ नेसेसरी आफ्टर फाइव मिनट जन्म के बाद एक मिनट में और अगर आवश्यक है तो पाँच मिनट में बाद बच्चे की स्थिति का आकलन और रिकॉर्डिंग करने की विधि को मानकीकृत करने का एक साधन कहने का मतलब है कि हमें बच्चे की कंडीशन को एक मिनट में और पाँच मिनट में क्या है न्यूमेरिकल अगर हम नंबरिंग करते हैं तो वो कौन सा स्कोरिंग है तो क्या है करेक्ट आंसर बी अपगार स्कोरिंग जो है हम एक मिनट के बाद करते हैं और पाँच मिनट के अंदर जो है हम करते हैं तो ये क्या है अपगार स्कोरिंग अपगार स्कोरिंग में हम करते हैं ये सब चीज़ें थैंक यू दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना चैनल पे थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर